अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी और ए प्लस बी इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, मतलब इस अंक में इस ए प्लस बी और ए प्लस बी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस वाले ए को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, इस ए को निकाल देते हैं बाहर, इस ए को बाहर निकालते हैं और ए प्लस बी यहाँ पूरा ए प्लस बी को जैसे है एकदम वैसे ही यहाँ पर ला देंगे, ए प्लस बी ला दिए। उसके बाद साइन के साथ यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पर लिख देना है, लिख दिए। उसके बाद फिर प्लस साइन के बाद ये वाला प्लस साइन के साथ यहाँ पर लिख दिए हैं प्लस बी। उसके बाद फिर एक बार इसको उतार देना है, जैसा है एकदम वैसा ही यहाँ पर उतार देना है, इसको पूरा मतलब इस पूरा को यहाँ पर लाकर उतार देना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, उतार देना है, यानी कि ए प्लस बी उतर गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब देखिए ए को उठाना है और ए में मल्टीप्लाई करना है, ए को उठाना है और ए में मल्टीप्लाई करना है, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए को उठाना है और बी में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट प्लस बी को उठाना है और ए से मल्टीप्लाई करना है। जब बी को उठाना है और ए से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फाबेटिकल लिखना है, मतलब कि पहले ए आता है, जब हम ए बी सी डी शुरू करते हैं तो पहले ए आता है, तब तो सबसे पहले ए लिखना है उसके बाद बी लिखना है, यानी कि बी और ए नहीं लिखना है, तो अल्फाबेटिकल सेट करना है, तो यानी कि बी और ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, पहले ए बी लिख देंगे। उसके बाद बी को उठाना है और बी में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई बी। उसके बाद देखिए ए में ए से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब ए में ए से मल्टीप्लाई किए हैं, जब सेम रहता है तो स्क्वायर होता है, जब सेम रहता है तो स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए में बी से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी, जब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझना है कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, प्लस ए बी है तो ए बी, प्लस बी में बी से करना है तो यानी कि बी स्क्वायर, बी में बी से करना है तो बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब ई ए स्क्वायर प्लस जो जो एक जैसा है, यहाँ पर देखिए एक जैसा है उसको जोड़ देना है और जो एक जैसा नहीं है उसको नहीं जोड़ना है, तो केवल एक ही ए स्क्वायर है तो ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक ए बी और एक ए बी या प्लस का चिन्ह है, तो कितना ए बी हो जाएगा, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ आपका फॉर्मूला। यानी कि याद रखने के लिए होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर एक ठो क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइव इंटू
फाइव प्लस टू इंटू फाइव इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री। तो देखिए किस फार्मूला पर सेट होगा, वही ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर एक काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ए और ए में मल्टीप्लाई हुआ है तो ए स्क्वायर होगा, और टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर का, तो इसी पर सेट होगा। तो देखिए यानी कि किस पर सेट होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो इसको सेट कर लेते हैं, फाइव प्लस बी के जगह पर थ्री है, मतलब ए के जगह पर फाइव, ए के जगह पर फाइव है और बी के जगह पर थ्री है, इसका होल स्क्वायर यानी कि दोनों को जोड़ लेना है। तो पाँच प्लस तीन, पाँच तीन आठ, यानी कि आठ का होल स्क्वायर आठ अठाई चौंसठ, इसका आंसर होगा चौंसठ। समझ में आ गया, धन्यवाद।